ने क्या हुआ है, जिस पर ये जंग हंसा है, जिस पर ये जंग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 9 जुलाई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन शुक्रवार है, सरस्वती माता का दिन है, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय सरस्वती माता लिखें, सरस्वती माता आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिन स्त्रियों पर ये धार्मिक कार्यों में रुचि होती है उनका मन शांत होता है, ऐसी महिलाएं तरक्की या सफलता पाने के लिए एकाग्रित होती हैं और नित्य शास्त्र के अनुसार ऐसी महिला दूसरों की सफलता या असफलता परेशान नहीं करती, वह सिर्फ अपने जीवन में उद्देश्य में मग्न होती हैं। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्रियां आलस्य भरी होती हैं उन्हें जीवन में असफलता हासिल करती हैं और नित्य शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं को सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि इन्हें परिवार में सदस्य खूब प्रेम देते हैं लेकिन इनके समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्रियाँ अनुशासन में रहती हैं वे जल्दी सफलता हासिल करनी कहती हैं और ऐसी महिलाएँ दूसरों की प्रेरणा के लिए होती हैं। नित्य शास्त्र के अनुसार अपने सपनों को कार्य को पूरा करने के लिए इस स्वभाव की महिलाओं परिवार के सदस्यों के साथ समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। और ईश्वर करने वाली जो महिला ईश्वर का भाव करती हैं वह चालाकी और खुद की तरक्की हासिल करती हैं। कहते हैं कि ऐसी महिलाओं स्त्रियों को दूसरों की सफलता रास्ते में बाधा आती है। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं ऐसी महिलाओं के विश्वास से बचना चाहिए क्योंकि समय आने से विश्वासघात करने का शिकार हो जाता है। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पांच अंग के बारे में। पांच अंग 9 जुलाई दिन चल रहा है, शुक्रवार, तिथि चल रही है अमावस्या, नक्षत्र चल रहा है अर्धरारित्व, चल रहा है वर्षा, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:48 पर और सूर्यास्त होगा 6:56 पर। आज का शुभ समय 12:48 से 1:56 तक। आज का अशुभ समय 10:22 से 11:26 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 4 है और भाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग गुलाबी है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे। दूसरा यह है कि राशि शुक्र इस दिन राशि को जाने वाली है। यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, नौकरी प्रमोशन रहेगा और नए कार्य प्रारंभ होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पुराने रोग दूर होंगे, निवेश बीमा शेयर मार्केट में अभी लाभ मिलेगा लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें। अविवाहित के विवाह या भाग की बात इस दिन बन सकती है और लग्जरी लाइफ पर भी खर्च करेंगे। शुक्र ग्रह वैभव संबंध प्रेम सुंदर निराश होगा, पशु तत्व इसके कारण पशु तुलाव होंगे और तुला राशि वाले अनुवांशिक परिवर्तन आते रहेंगे। इनका जीवन कभी ऊपर नीचे होता रहेगा और स्वयं तराजू की भांति ऊपर नीचे हुआ करते हैं। करियर में पैसा तुला राशि को आज का दिन खर्च से बचें और फालतू कहीं न जाएं और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और आज तुला राशि वाले लाभ इनकम बढ़ाने में ज्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो सकेंगे। माता पिता जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा आपको और तुला राशि वाले पारिवारिक जीवन में खुशियां सिलसिला बरकरार रहने की बढ़ोतरी संभावना होगी। तुला राशि के रिश्ते में प्यार दबते जीवन में यह समय काफी अच्छा रहेगा और इजाफा होगा आपको उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत तो करेंगे मगर परिणाम उम्मीद से कम मिलने की साकेत रहेंगे लेकिन निराशा को अपने जीवन में कतई स्थान न दें क्योंकि इस समय आपकी स्थिति मदद मिलेगी और तुला राशि सेहत का मामला अच्छा रहेगा। आपके मन में योग्य आध्यात्मिक रुचि प्रति रुचि जागृत होगी। कानूनी मामलों की वजह से तनाव मुमकिन है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और कोई ऐसा इंसान जिसके
मन में आपके लिए गलत भावना थी, आज मामला निपटाने का दिन रहेगा और सुलह करने का दिन रहेगा। आपके मन में कुछ कार्य क्षेत्रों में आज का दिन काम प्रगति करेंगे। अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा और आज का दिन भागदौड़ भरे दौर रहेंगे और पारिवारिक समय में कम समय दे पाएंगे, लेकिन परिश्रम के साथ बेहतरीन समय लंबे गुजारने का आमदायक मौका रहेगा। अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने पूरे आराम की जरूरत रहेगी। आपका प्रबल आत्मविश्वास आज का दिन आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम के काफी वक्त देंगे और आर्थिक लाभ मिलेगा। दूसरों के लिए एक आदर्श रहें, गर्मजोशी, दूसरों की मदद इच्छा साथ आमदाय मानवी करेंगे। मूल्य खुद को सजोना होगा, आज पहचान दिलाएगा, इससे जीवन में तालमेल पैदा होगा और आज आप रूहानी प्यार में मदहोशी महसूस करेंगे। आज का दिन उबाऊ होगा, इसलिए आज कोई रचनात्मक कार्य मिलने का रोचक दिन बन सकता है। करियर व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होने से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी ऊर्जा स्तर ऊंचा रखें और अपनी कंपनी की हर तरह से मदद भी करेंगे, इससे आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो संबंध पैसा प्रबंध होगा और क्योंकि आप इस समय आपके कोई गलती नहीं करेंगे। भावनात्मक रिश्ते बराबरी की लेन देन से चलेंगे और तुला राशि वाले लोग बहुत से रिश्तों में उलझे रहेंगे, इसलिए कभी कभी इनके रिश्तों में गलत भी समझ लिया जाता है क्योंकि ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए पूरे जीवन में इनके बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ठीक से सोच लेना चाहिए। मिथुन तुला कुंभ राशि वाले लोग अच्छे जीवन साथी साथी माने जाते हैं, सावधान रहें, यह वह समय चल रहा है जिसमें आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। वाहन चलाते समय, नुकीले यंत्रों का इस्तेमाल करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी और आपकी राशि में बना वैद्युतिक योग आपको सफलदायक रहेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखने की जरूरत होगी और कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, प्रोत्साहन रहेगा जो आपको मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल व आनंद रहेगा। भाई बहनों का सहयोग खबर आनंदित होगी। आर्थिक मामलों में आज का दिन खर्चीला रहेगा, लेकिन शुभ कार्यों पर व्यय आगमन होंगे, धन आगमन होते रहेंगे। मन को प्रसन्न करना होगा और पारिवारिक वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने छोटे सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें और आज का दिन आपके लाभकारक रहेगा। कार्यों व्यवहार जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले में आज के आसपास लोगों को समय मुद्दित होगा और कुछ परेशानी पैदा होगी, आपके खर्चों में योग बनेंगे। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें।